दोस्तों मेरे चैनल फाइट फॉर हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमदर्द कंपनी के लबू बारिद के फ़ायदे के बारे में और जानेंगे उसके नुकसान के बारे में और उसकी तासीर के बारे में और उसकी कंपोजिशन के बारे में और इस्तेमाल करने का सही तरीका, जिससे आप लोग घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज अपने मिजाज के मुताबिक अपने घर पर ही कर सकें। दोस्तों लबू बारिद ऐसे लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिन लोगों ने लंबे समय तक हस्त मैथुन किया, गलत संगत में पढ़कर या गलत सोसाइटी में पढ़कर अपनी जवानी को या जवानी आने से पहले ही बर्बाद कर लिया अपने हाथों से, जिन लोगों का फिर ये पानी की तरह पतला हो गया, लिंग सिकुड़कर छोटा सा हो गया, लिंग में तनाव नहीं आता या लिंग में तनाव आता है तो बहुत कम आता है, और जो लोग शादी के नाम से भी डरते हैं ऐसे लोगों के लिए लबू बारिद बेहद मुफीद है। वीर्य को गाढ़ा करता है, नामर्दी को ठीक करता है। जो लोग बीवी के पास जाने में भी डरते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं ऐसे लोगों के लिए शर्मिंदगी दूर करेगा और दोस्तों लिंग को फौलाद बना देगा। वीर्य को गोंद की तरह गाढ़ा करेगा, टाइमिंग को इतनी बढ़ा देगा कि दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लबू बारिद हमदर्द कंपनी का क्लासिकल प्रोडक्ट है, इसको दूसरी यूनानी कंपनियां नहीं बनाती। दोस्तों बात करें अगर इसकी कीमत की, 70 रुपये इसकी कीमत है और दोस्तों यह वज़न में 125 ग्राम है। दोस्तों बात करें अगर इसकी कंपोजिशन की, यानी इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, तो दोस्तों वह इस तरह हैं: तुख्म उतंगन, तुख्म खुरफा, तुख्म खशखश, तुख्म गाजर, तुरदरी सुर्ख, खुलंजन, जंजबील, शकाकुल मिसरी, गोंद कतीरा, मगज़ बादाम शीरी, मगज़ तुख्म खरबूज, मगज़ अखरोट, मगज़ खरबूजा, मगज़ तुख्म खयारेन, मगज़ तुख्म कद्दू, शकर सफ़ेद, कवाम शकर सफ़ेद। इन्हीं कीमती और असरदार जड़ी बूटियों से दोस्तों लबू बारिद तैयार किया जाता है। दोस्तों लबू बारिद तासीर में ठंडा होता है। लबू बारिद के फ़ायदे: दोस्तों लबू बारिद मसाने में गर्मी जिसकी हो गई है, जिसकी वजह से वीर्य पानी की तरह पतला हो गया है, जिन हजरात की टाइमिंग ज़ीरो है, बार बार नाइट फील होते हैं, पेशाब में धाच आती है, जो हजरात ज़कावत हिस की बीमारी से परेशान हैं, लबू बारिद वीर्य को गाढ़ा करती है, मसाने की गर्मी को दूर करती है, पुरानी से पुरानी नाइट फील की समस्या को दूर करती है, पेशाब में धाच जाने की समस्या को दूर करती है। जिन हजरात की टाइमिंग ज़ीरो है, ज़रा सा ख्याल या मामूली रगड़ से ही वीर्य निकल जाता है। लबू बारिद लंबे समय तक टाइमिंग को बढ़ाती है, लिंग को सख्ती देती है। जिन हजरात का फ़ोन पर बात करते समय चिपचिपा पानी निकलता है, लबू बारिद चिपचिपे पानी आने को रोकती है और ऐसी सभी समस्याएँ दूर करती है, मसाने को ताकत देती है और मसाने की गर्मी को दूर करती है। दोस्तों 20 दिन इस्तेमाल करके ही यह सब समस्या दूर हो जाती हैं। गर्म मिजाज लोगों के लिए लबू बारिद अमृत की तरह काम करता है, नामर्दी को जड़ से ख़त्म करता है। बीवी के पास जाते ही जिन लोगों का फुहारा निकल जाता है, लबू बारिद के इस्तेमाल से टाइमिंग इतनी बढ़ जाएगी कि दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। टाइमिंग का यह बादशाह है। दोस्तों लबू बारिद वीर्य को बढ़ाता है और वीर्य को बनाता है और वीर्य को गाढ़ा भी करता है। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, मर्दों में होने वाले सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, लिंग की नसों और पट्ठों को ताकत देता है, जिससे लिंग सख्त और मजबूत होता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, शारीरिक थकावट को दूर करता है, सेक्स के बाद आने वाली कमज़ोरी को भी दूर करता है, कमर के दर्द, पट्ठों के दर्द को दूर करता है, चेहरे पर रौनक लाता है। जो हजरात शादी के नाम से भी कांपते हैं, घर वालों से शादी को मना करते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, दोस्तों लबू बारिद कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मर्दाना ताकत को इतना बढ़ा देगा कि दो दो तीन तीन शादियां भी करोगे तो आपको ये कहोगे यार ये भी कम है। जिन हजरात का वीर्य दो चार धक्कों में ही निकल जाता है, दोस्तों टाइमिंग को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इंशाल्लाह एक बार इस्तेमाल करो, कुछ दिन इस्तेमाल करने से ही आप में मर्दाना ताकत इतनी आ जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। दोस्तों परहेज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों तली भुनी तेज़ मसालेदार चीज़ों का परहेज़ करें, रात का खाना जल्दी खाएं, पेट में कब्ज़ ना होने दें। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका,
5 से 7 ग्राम रात को सोते वक्त हल्के गर्म दूध से इस्तेमाल करें। और दोस्तों ऐसे ही आपको सुबह को खाली पेट 5 से 7 ग्राम सुबह को दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।